बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, हमने आज आपको इनामी तौर पर बुलाया है। वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं पोस्ट इलेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए और हम करेंगे भी, जो हमारे तजुर्बात हैं इलेक्शन पे, इलेक्शन का पूरे प्रोसेस पे, इलेक्शन डे पे और पोस्ट इलेक्शन जिस तरह से जो कुछ हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम किसी बगैर एविडेंस के बात नहीं करते। अब जब तक हमारे पास मुकम्मल एविडेंस ना हो, आपको याद है 13 के अंदर सबसे पहले मैंने इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली थी और फिर एविडेंस हासिल की थी, उसकी बुनियाद पर मैंने जो काम करना था वो किया था। और हम अभी उस पर देख रहे हैं, हमारी टीम सारी काम कर रही है। बहुत सारी इतलात हैं, अजीबोगरीब किस्म की इतलात हैं। वैसे तो हमने इसके लिए एक नई टर्म निकाली है, कुछ एमएनएस जो हो जाता है उसको कहते हैं, वैसे तो सबको रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं जो इलेक्शन में जीत कर आते हैं, लेकिन इसमें हमने दो हिस्सों में उसको तकसीम किया है। एक वो है जो एमएनएस या एमपीएस इलेक्ट है और एक वो है जो नोटिफाइड है। अब ये दो अलहदा अलहदा किस्में हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको दो इश्यूज पे बात करने के लिए जहमत दी है। एक इशू ये है कि पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की और डिप्टी कमिश्नर ने, मैंने आपको याद होगा यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पता नहीं उसका गुस्सा है या क्या है, खासकर डीपीओ कसूर बहुत ही पर्सनल कर रहे हैं मेरे साथ जो चीज़ें कर रहे हैं, हम आपको उनकी एफआईआर्स भी देते हैं। अभी तक हमारे लोगों के घरों पे रेड्स हो रहे हैं, उनके झूठे और जाली पर्चे हो रहे हैं। हमने कहा था कि चलो इलेक्शन में जो कुछ इन्होंने कर लिया कर लिया, हमारे पास ये भी चीजें हैं कि इन्होंने किन किन लोगों को बुलाकर क्या क्या कहा, वक्त आने पर हम वो भी सारा अनफोल्ड कर दें। मैं यहाँ पे एमएनए बना तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं किसी अफसर के साथ पर्सनल नहीं हुआ, मेरे साथ ज्यादतियां भी की गई, मैंने मार्शल लाओं के दौर में भुगते ना, तो मैं ज़ियाउल्लाह के दौर से मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, ज़ियाउल्लाह का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, मियां नवाज शरीफ के सारे दौर हो, जो भी है मैंने किया है, लेकिन मैंने किसी को इस तरह से मतलब इतने लेवल पे गिरते हुए किसी अफसर को नहीं देखा। मैंने भी अफसरों की, बाबर याकूब साहब से लेकर, सबकी मदद की है और मैं चाहूँगा कि ये जो फुटेज है ये फौरी तौर पर उनको लाइव भी पहुँचे, ताकि ये उनके नोटिस उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूं। एक रतने वाला गांव के अंदर पर्चा दिया है इलेक्शन से पहले, हमारी भी एप्लीकेशन थी, हमारी एप्लीकेशन पे नहीं दिया, क्या है जी कि हमारे लोगों ने कोई पैनाफ्लेक्सिस फाड़ी है और उन पैनाफ्लेक्सिस पे 506 का पर्चा दे दिया, फिर एक नई एकी में दिया है, फिर इसी तरह से बेशुमार पर्चे जो पर्चे दिए हमारे खिलाफ और अभी तक लोगों के घरों पर रेड हो। अब बताएं इलेक्शन जैसा तैसा भी हुआ आपके सामने, अब हम अपने घर को छोड़कर किधर चले जाएं, हमने तो यहीं रहना है, इन अफसरों ने कहीं जाना है, लेकिन हमने फैसला किया है कि अगर ये इन हरकतों से बाज नहीं आते तो हमने भी फाइट बैक करने का, वापस लड़ने का फैसला किया। पहली बात, आपको याद होगा कि इन्होंने मेरे भाई के ऊपर 788 का पर्चा दिया इलेक्शन से 8 दिन पहले, फिर उसमें नए लोग नामजद कर दिए। मैं आज आपके जरिए ऑफर कर रहा हूं, सफाई देना मुलजम का हक होता है, हमारी सफाई हम अभी तक एसपी इन्वेस्टिगेशन से लेकर हर फोरम पर कहते रहे, मैं आईजी से मिला था, उससे भी कहा था, हम हर फोरम पर गए, अगर मेरे भाई ने ज्यादती की थी तो मैंने और उनके ससुर ने उस एडवोकेट साहब के घर जाकर माफी मांगी थी, जितनी गलती की है उसकी माफी मांगी, उन्होंने आगे से उनके घर गए थे, नामुनासिब बातें भी की, हमने वो सुनी सर। चलो अगर हमारी सफाई नहीं मानती पुलिस, तो मैं एक आज ऑफर करने लगा, जो एफआईआर के कंटेंट है अगर वो दुरुस्त हैं, तो 4 बार मेंबर्स का नाम लेने लगा मैं, वो आकर यहां पे हलफ दे दें और मैं हम बेल विड्रॉ कर रहे हैं, 780 की बेल विड्रॉ करके गिरफ्तारी पेश कर दी। मलिक रशीद अहमद खान जिन्होंने पर्चा करवाया, मैं उनके नाम लेने लगा, मलिक रशीद अहमद खान हलफ दे दे,
मलक अहमद खान हलफ दे दे, मलक रियाज अहमद खान हलफ दे दे, और चौथा मेरा छोटा भाई है मिर्जा नसीमुल हसन, वो हलफ दे दे कि ये पर्चे के कंटेंट दुरुस्त हैं और मैं ये 23 तारीख है उस दिन बेल वापस लेकर गिरफ्तारी पेश कर, कि मेरा आपसे वादा है। उससे पहले पहले ये चारों में से कोई एक जाकर मस्जिद में हलफ दे दे, वहां पे कोई फायर हुआ है, किसी ने उसको अगवा किया है, जो पर्चे के कॉन्टेंट मैं गिरफ्तार किया। अब मजीद हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके मोहल्ले में आपको पता है, मैं उस पर जरा बाद में आता हूं। अब हमने फैसला किया, एक तो मैं रिट कर रहा हूं इनके खिलाफ कल, और उसमें मैं खुद पेटिशनर हूं डीपीओ कसूर के खिलाफ, कोई और पेटिशनर नहीं, मैं खुद जाती तौर पर उसके अंदर पेटिशनर हूं। आप लोगों को मेरे हौसले का भी पता है, आपको पता है कि मैं कभी टेंपर लूज नहीं करता, हौसला भी रखता हूं, हौसले से मुकाबला भी करता हूं लोगों का। लेकिन अगर मैं इस लेवल पे आ गया हूं, तंग आ गया हूं कि मैं खुद पेटिशनर बन के जा रहा हूं हाई कोर्ट के अंदर, इन सारे जो मैं सुनने एक रत्ने वाला मैं पर्चा जो दिया 15 नंबर पे कॉल किए, ना वो बंदा वहां का रहायशी, मैं रिकॉर्ड पे कहने लगा कसूर का रहायशी, एक दिन कभी वो रत्ने वाले नहीं गया, उसको जाली मदई बनाकर हमारे लोगों के खिलाफ पर्चा दिया। और अभी मौसूफ फरमा रहे हैं कि उन लोगों को, कुछ लोगों को वहां से और दूसरी जगहों से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मंशियात के पर्चे थे। दूसरी बात, 22 तारीख को मैं खुद क्यादत करूंगा और पंजाब की अपनी क्यादत को भी दावत देना, हम डीपीओ ऑफिस का जो गेट है उस पर धरना देंगे इन सब के खिलाफ, और मैं खुद जाती तौर पर वहां पे बैठूंगा, धरना देकर बैठूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि शेख वसीम साहब ने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि मेरे दुबई में शोरूम है इलेक्शन से पहले, मैंने उसको जवाब दिया था, लेकिन मोहतरम शेख साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि इन्होंने अपने 10 करोड़ के असासे शो किए हैं, ये कहां से आए हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कहां से आए। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक वापस डी क्लास किया। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं थाना गंडा सिंह के उन 3 बड़े जागीरदारों में से एक का बेटा हूं जिसकी जमीन 1976 के अंदर लैंड रिफॉर्म्स में आई थी, और हम और मेरे वाला साहब केस लगते रहे। मैं पीपल्स पार्टी में किसी हादसे या किसी की वजह से नहीं आया, सोच समझ के आया। और मैंने अब सियासत में आने के बाद अपनी जायदाद को कम किया है, ज्यादा नहीं किया, रिकॉर्ड पे है, चीजें देख सकते हैं कि मैंने हर इलेक्शन में अपनी जमीन बेची है। मैंने अपने बाप की विरासत को ज्यादा नहीं किया, कम किया। मैं उनको लीगल नोटिस दे रहा, अगर मेरे कोई दुबई में शोरूम्स मौजूद हैं तो उन्हें अब साबित करना होगा, क्योंकि ये मेरे इधर उधर इल्जाम तो लगाते थे, रिकॉर्ड पे नहीं आते थे, अब वो रिकॉर्ड पे आएंगे, तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि वो साबित करें, और मैं कम से कम इतने का लीगल नोटिस जरूर दूंगा जितने में अगर मुझे वो पैसे मिल जाएंगे तो मैं दुबई में शोरूम बना सकूं। और मेरा उनसे भी सवाल है कि उनको भी आप बताना पड़ेगा कि उनके पास ये सासे कहां से आए, क्योंकि वो जब बिजनेस छोड़ के आए थे तो सबको पता है कि उनकी पोजीशन, माली पोजीशन क्या था। अब ये 2 इश्यूज हैं फौरी तौर पर, मैं इलेक्शंस पे भी बहुत सारी बातें मैं फिर कभी करना चाहता हूं, तो मैंने इन 2 इश्यूज पे आपको तकलीफ दी थी, अगर कोई इन 2 इश्यूज के हवाले से आपका सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। जो सर, मेरे ख्याल में बहुत आपकी हिस्ट्री है, मैं बहुत क्लोज रहा हूँ आपके, अभी तक हूँ, इतना डिप्रेशन इस लेवल पे जाके मैंने पहली दफा आपको देखा है। ये डिप्रेशन नहीं है मेरा, डिप्रेशन होता तो हम तो जिस रात यहाँ पे रिजल्ट आया था मेरे साथ पास जो लोग आए हैं हम तो बड़ा हंसी मजाक करते रहे, ख्यास्ते खेलते रहे, उसके बाद भी जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देना था इलेक्शन के मुतालिक अपनी पार्टी का, वो सीईसी के अंदर मैंने खुल के दिया है, सारे पाकिस्तान को पता है कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, ये मेरा डिप्रेशन नहीं है,
ये मेरा डिप्रेशन वो होता है कि मैं घर में सो जाऊं, उसको डिप्रेशन कहते हैं, कि मैं ना किसी का हाल पूछूं, जो पुलिस करती है वो करती रहे, मैं टेबलेट्स लूं सोने वाली और सो जाऊं, ये होता है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन नहीं है, ये तंग आमद बजंग आमद है। इस पे हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब आप मेरे जैसा बंदा भी अगर इस लेवल पे पहुंच जाए, तंग आ जाए, तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ये, मुझे तो नाम भी नहीं आता, बतौर डीपीओ नहीं एक्ट कर रहे, तारिक सिंधु साहब का पूरा नाम नहीं मुझे आता, क्या नाम है मसूफ का, अगर वो मेरे साथ पर्सनल रहे फिर मैं भी उनके साथ पर्सनल जाऊं और उनको मैं दावा देता हूं, वो जो कुछ करना चाहते हैं मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, मेरे दोस्तों के खिलाफ, जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, और मुझसे जो कुछ होगा वो मैं भी करूं। वो एक कैरियर ऑफिसर है, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस लेवल पे जाऊं, वो जहां जहां पे जाएंगे मैं पीछे जाऊंगा, जहां जहां पे उनकी पोस्टिंग होगी मैं उनके पीछे जाऊंगा, उनसे जो जो कुछ होता है मेरे खिलाफ कर। ये भी सब एक और मैं ऐड करूंगा, क्या ट्यूरिंग सर्विसेज किसी को इस लेवल पे थ्रेट किया जा सकता है? ये मैं थ्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरे साथ पर्सनल हुए तो मैं भी अब उनके खिलाफ पर्सनल। मैंने कसूर की हिस्ट्री में कभी इतना, मतलब इस किस्म का अफसर, करप्ट भी हो, वो नाजायज भी करता हो, लोगों के खिलाफ झूठे केसेस भी बनाता हो, सब कुछ जो कुछ वो कर सकता था, मतलब जो लेवल कोई, वो वर्दी के नाम पर तौहीन है इस वर्दी की, मैं ये भी कहता हूं। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, मैं लोगों की बेलें करवा करवा कर लोगों के पास जा जाकर थक गया, उससे जो कुछ होता है वो कर लेते। और आप किस लेवल तक जाएंगे? मैं, मुझे जिस लेवल पर भी जाना पड़ा मैं जाऊं, मुझे जिस जिस अदालतों से लेकर उसके खिलाफ सर्विसेज, उसकी सर्विस के खिलाफ मैं जाऊं, मैं जहां पे जा सकता हूं, मैं सेक्टी स्टैप को भी मिलकर आया हूं, जिनके पास इनका सर्विस का सारा होता है, मैं सब कुछ मैं उससे भी मिलकर आया, मैं दोबारा भी मिलूंगा, मैं दोबारा भी इनके खिलाफ जो कुछ मेरे पास मवाद है मैं उनके खिलाफ लेकर जाऊंगा। और दूसरी बात, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखूंगा कि वो क्या क्या करते रहे इलेक्शन के दौरान। नहीं, ये पर्सनल राइवल है कि किसी की, कोई पर्सनल राइवल नहीं, कि किसी की माँ पे है, वो लाजमी बात है, किसी के माँ पे है, और जिनके माँ पे है वो आके उसके पीछे खड़े। मैं उसके देखें, जिनके माँ पे, ये आज तक एक साल से हो गया यहाँ लगे हुए हैं दोनों ऑफिसर, उन्हीं के साथ आपकी बातचीत भी अब हो रही है, क्या उस पॉइंट पे, उस लेवल पे आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? नहीं, देखिये ये उस लेवल का इशू नहीं है, ये मैं एक दो जमातों के दरमियान जो कुछ हो रहे हैं उन दो जमातों के दरमियान मैं अपना लेकर बैठ जाऊं, ये मुझे नहीं देखते। बाकी रही बात ये कि इसके इतिहाद पे क्या असरात होंगे, अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरे साथ मेरी पंजाब की क्यादत आती है, जो जो भी आता है मैं सबको दावत दूंगा, तो उसके क्या असरात होंगे ये देखना मेरा काम नहीं। 23 को बेल है, 22 को धरना, किस तरह देखा जाए? कोई पहले भी बेल डेट्स पड़ती रही, मैं तो कहता हूं इन चारों में से कोई हलफ दे दे, हम 23 को बेल वापस ले लें, हम तो तैयार हैं कोई गलत बात तो की नहीं हमने, वह सफाई हमेशा मुलजम देता है ना, हम कहते वो दे दे। मौजूद जहां पर साबिक MNA कसूर और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो मंजूर अहमद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह उनके कारकुनान, उनके दोस्तों और FIR का अंदाज किया जा रहा है, इस वाले से उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।